हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पेस्ट स्पेशल को लेकर के बना रहा हूं मैं। और पेस्ट स्पेशल क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, ये लिब्रा कैल्क में हम समझेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख सकते हैं एक डेटा का जो टाइटल लिया है हमने, यहां पर ये देख सकते हैं आप। और इसको एक अलग से कलर प्रोवाइड कर देता हूं मैं, यहां से ये कलर दे दिया हमने इसे। और यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर स्टूडेंट के मार्क्स लेके आने हैं। तो एक और जो फॉर्मूला है वो हम सीखेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाया और यहां पर लिखता हूं मैं रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन क्या करता है, रैंडमली हमें नंबर लेके दे देता है। ठीक है, तो यहां पर लिखना है रैंड और फिर लिखना है बिटवीन। तो ये रैंड बिटवीन हमने कर दिया और यहां पर टैब नहीं प्रेस करना है। ठीक है, टैब नहीं प्रेस करना है। और यहां पर देखिए बॉटम यानी छोटा वाला मार्क्स और टॉप यानी बड़ा वाला मार्क्स, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स कितने नंबर का होगा। अगर कोई पाता है सबसे ज्यादा मार्क्स तो कितने नंबर पाएगा और सबसे कम मार्क्स पाता है तो कितने नंबर पाएगा, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। एंटर प्रेस कर देंगे, यहां पर इसे ड्रैग करवाएंगे जैसा कि आप एक्सेल में करते हैं, बिल्कुल वही काम है। और यहां से नीचे की तरफ ड्रैग करवाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से ये मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही बाहर क्लिक करता हूं यहां 73 आ जाता है क्योंकि हमने तो फॉर्मूला लगाया ना। तो अब यहां पर आपको पेस्ट स्पेशल का मतलब समझ में आएगा। इस सारे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट, कर लिया, यहां पर राइट क्लिक करता हूं, इसे कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके बाहर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर आ जाना है पेस्ट स्पेशल पर। ठीक है, तो अब इसे हम क्या बनाना चाहते हैं, नंबर बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, ये क्यों, कैसे पता कि ये फॉर्मूला है। यहां पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इज इक्वल टू का निशान लगाकर रैंड बिटवीन लगा हुआ है। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला ही है। अब ये फॉर्मूला हम नहीं चाहते क्योंकि फॉर्मूला तो रैंडमली चेंज होता रहेगा ना, ये तो इस वजह से हम फॉर्मूला नहीं चाहते। तो यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां पर चले जाइए पेस्ट स्पेशल पर। ठीक है, आप यहां से भी क्लिक करके एडिट पे जा करके और यहां से भी पेस्ट स्पेशल पर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस फॉर्मूले को हम क्या बनाना चाहते हैं, तो हम इसे बनाना चाहते हैं नंबर, क्योंकि नंबर ही तो हमारे यूज के लायक है। नंबर अगर हम इसे कर देते हैं, ठीक है, यहां पर कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, आपको कर्सर को यहीं पे रखना होगा। और यहां पर अगर इसे हम नंबर कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा डेटा है सेलेक्टेड पार्ट, ये देख सकते हैं, इसे हम नंबर कर देते हैं अगर, तो हमारे यूज के लायक ये बन जाएगा। और यहां पर आपको यस प्रेस करना है, ध्यान रहे कि ये डेटा सिलेक्शन में रहे, और यहां पे यस प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये कितना भी क्लिक करेंगे बाहर तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि अब ये फॉर्मूला हट चुका है, ये नंबर बन चुका है। ठीक है, इसी तरह से करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। पेस्ट स्पेशल का एक छोटा सा यूज मैंने आपको दिखाया, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।